सो गुड इवनिंग गाइस, आज है, आज डेट कितना है भाई? 23 तारीख हो गए। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास जो फायरबोल्ट की जो स्मार्ट वॉच थी वो तो थी, बट मैं सोच रहा था एक और स्मार्ट वॉच लेते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड में ना स्मार्ट वॉच चल रहे हैं। तो मैंने एक बोट का स्मार्ट वॉच ऑर्डर करना था, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था, अराउंड 3000-4000, इतनी बजट तो अपनी है नहीं। तो किसी ने सजेस्ट किया कि रिफर्निस्ट पे एक बार सर्च कर ले, अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं। तो मैंने सर्च किया तो उसमें कुछ फीचर्स थे जो मेरे को चाहिए था, अवेलेबल थे, वो काफ़ी बढ़िया थे। तो मैंने दिल पे ऐसे पत्थर रख के ऑर्डर कर दिया, क्या पता कैसा होगा। उसमें ऑलरेडी 6 मंथ की वारंटी अवेलेबल है, तो मैंने कर दिया और अभी जस्ट मेरे पास रिसीव हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो रिफर्निश्ड आइटम्स कैसे होते हैं, आप लोगों को अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये पार्सल मैंने रिसीव कर लिया है अभी। ओह शिट, गिरने से बच गया। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको इसके बिल्ड क्वालिटी और कलर्स वगैरह शो होंगे, दिखाता हूँ। इसके फीचर्स ठीक हैं और इसका जो कॉस्ट पड़े अराउंड 1700 रुपीज़, और नया में इसके कॉस्ट हैं 3000 के अराउंड, बट ठीक है, रिफर्निश्ड में हमें मिल गया। तो इसे देखते हैं कैसा है और आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कीज़ है तो मैं अभी इसको खोलता हूँ। थोड़े बेरहमी से इसको फाड़ना है, क्योंकि पैकेजिंग अगर अच्छे से खोलो तो बढ़िया नहीं लगता है। ये इसकी इनवॉइस है। सेकेंड हैंड वॉच, इसको ऐसे निकालते केस के साथ। ये है चार्जर, ये इसका केबल, एडप्टर तो ये देते नहीं है क्योंकि जरूरत भी नहीं है। केबल होते हैं और ये है वॉच, देखने में काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है, क्योंकि ये कोल चारकोल ब्लैक कलर वैसे भी डिसेंट कलर है। अब मैं इसे एक बार पहन के चेक करूँगा, इसका क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं है। ओह शिट, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा भाई? ये ऑन नहीं हो रहा, एक सेकंड। गेट खोलो यार। ये वीडियो इतनी बन गई पर ये नहीं ऑन हो रहा, डिस्चार्ज है क्या? ये ऑन नहीं है, बट एक बार मैं पहन के चेक करता हूँ कैसा लग रहा है। लुक तो काफ़ी सही है। अब मैं इसे थोड़ा देर चार्ज में लगाऊंगा, उसके बाद फिर ट्राई करता हूँ, अगर ऑन होता है तो फिर मैं आपको वीडियो में देखा। तो गाइज, मैं अपने रूम में आ गया हूँ, अब इसे मैं एक बार चार्ज में लगा के चेक कर रहा हूँ, शायद चार्ज लगा के ऑन हो जाए। और मैंने अभी बस चार्ज में लगाया है और ये चार्ज में लगाते ही ऑन हो गया। अब इसे मैं स्कैन करूँगा, स्कैन करने के बाद मैं ऑन करके सारे फीचर्स देखूँगा, फीचर्स देखने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो ये फाइनली ऑन हो गया, इसके सारे सेटअप हमने कर दिए हैं और इसमें फ़ीचर्स हैं कुछ अच्छे अच्छे से हैं, बट उतना खास मुझे लगा नहीं। जितना इसके अमाउंट लिए हैं 1700 रुपीज़, उस हिसाब से कुछ खास है नहीं इसमें। बस एक ही चीज़ है जो ठीक है, वो एलेक्सा, और ये एलेक्सा पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है। इसका सेटअप शायद और करना पड़ेगा, उसके बाद ये एलेक्सा बोलेगी। अब बाकी ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा रिफर्निश्ड के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट सही रहते हैं, ऑलमोस्ट सही रहते हैं प्रोडक्ट्स, ले सकते हो आप, क्योंकि उसके साथ में आपको वारंटी अवेलेबल होती है और 7 डेज का शायद एक्सचेंज भी है कि आप एक्सचेंज कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो ठीक है, अभी मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो शायद मैं कल तक वापस कर दूंगा। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा रिफर्निश्ड आइटम अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें 6 मंथ का वारंटी आती है, जिस चीज़ में ज़्यादा अमाउंट लग रहे हैं। और रिफर्निश्ड में ये है कि ऑलमोस्ट न्यू टाइप्स होता है, इसमें कोई नहीं देख के बता सकता कि ये सेकेंड हैंड है, बिल्कुल पुराना सा एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है, कोई नहीं बोल सकता कि रिफर्निश्ड है। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वो रिफर्निश्ड में अवेलेबल है, तो
आप जाइए रिफर्निश्ड उठाएं, क्योंकि उसके साथ वारंटी भी अवेलेबल होती है। तो ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए से वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।